और फिलहाल सीधा रुख करते हैं आजमगढ़ का। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस समय वहां पर संबोधित कर रहे हैं। के शिल्पी बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का 66वां महापरिनिर्वाण दिवस भी है। पूरा देश भारत माता के इस महान सपूत भारत रत्न बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को देश के प्रति उनकी सेवाओं के लिए स्मरण करते हुए अपनी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने अपने जीवन में कहा था कि संविधान में मेरा आदर्श है स्वतंत्रता, समानता और बंधुता। भारत के संविधान के उद्घोषक बने हैं और यही कारण है कि सम विषम परिस्थितियों में भारत के संविधान ने उत्तर से लेकर के दक्षिण तक, पूरब से पश्चिम तक पूरे भारत को एकता के सूत्र में पिरोने का कार्य किया और प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में आज यही भारत एक भारत श्रेष्ठ भारत की परिकल्पना को साकार कर रहा है। भाइयों बहनों, कुछ लोगों ने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के नाम पे राजनीति तो की, लेकिन बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के नाम पर राजनीति करने वाले लोगों ने जब भी दलितों और गरीबों की बात होती थी उन पर अत्याचार होते थे, मौन साध लेते थे। याद करिए, जब समाजवादी पार्टी की सरकार के समय रामपुर में उस समय के समाजवादी पार्टी के नेता और मंत्री आजम खां के द्वारा वहां के दलितों को प्रताड़ित किया जा रहा था, उजाड़ा जा रहा था, तब कांग्रेस मौन थी, सपा अत्याचार करा रही थी, बसपा भी मौन थी, तब केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी आंदोलन कर रही थी, क्योंकि वहां पर गरीबों और दलितों को उजाड़ करके उस समय सत्ताधारी दल का एक मंत्री सत्ता के संरक्षण में अराजकता पैदा कर रहा था। लेकिन यह हमें स्वीकार्य नहीं था, उस अत्याचार के खिलाफ हम लड़ रहे थे। और यही नहीं, समाजवादी पार्टी की सरकार के समय तो अराजकता ही उसका पर्याय हो गया था। देश के अंदर एक नारा चल पड़ा था, जिस गाड़ी में सपा का झंडा समझो होगा कोई जाना पहचाना गुंडा, यानी ये नारा ही चल गया था, लोग ये मान लिए थे। लेकिन इस गुंडागिर्दी की कमर तोड़ने का कार्य अगर किसी ने किया है तो हमारी सरकार ने प्रदेश के अंदर 2017 के बाद आने के बाद किया, क्योंकि ये लोग सत्ता में आकर के जिस प्रकार की तबाही मचाए थे, गरीबों की जमीनों पर, दलितों की जमीनों पर, व्यापारियों के प्रतिष्ठानों पर कब्जा करके जिस प्रकार की अराजकता इन्होंने पैदा की थी, ये किसी से छुपा हुआ नहीं। और आजमगढ़ तो इससे अपने आप को कैसे वंचित रख सकता है, आजमगढ़ तो इसका सबसे बड़ा भुक्तभोगी था।